संत लोग रिश्ता जोड़ करके भक्ति करते हैं। तो सखियों ने कहा कि अच्छा अच्छा इनके साथ में रिश्ता जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। अब सखिया कह रही कि देखो सखिया, वो जो नीलमणि है वो तो माता कौशल्या के लल्ला है, और जो गोरे वाले हैं वो श्री सुमित्रा मैया के लल्ला है, और ये दोनों यज्ञ की रक्षा करने के लिए आए थे महर्षि विश्वामित्र जी के साथ में, और अब हमारे यहाँ भी देखो आ गए हैं, हमारे भी यज्ञ को संपन्न करवाएंगे। तो मानो कि ताकि मैयाओं का नाम ले तो इन्हें पता चल जाएगा कि हम आपके परिचित लोग हैं, अपरिचित नहीं है। तो श्री राम जी से लक्ष्मण लाल जी ने कहा, देखो देखो भैया, आप तो ऐसा ही लग रहा है कि हमारी मौसियाँ ही बोल रही है, क्योंकि हमारी माताओं का नाम जान रही है तो ये हमारी माताओं से परिचित है। तो श्री राम जी ने कहा कि ऐसा है, ये पराया नगर है, पहली बार आए हैं, और तुमने रिश्ता भी बना लिया, मौसियाँ बन गई, ये बन गई, यहाँ कहाँ से आ गई मौसियाँ। हमने कहा है ना कि सीधे चलना, सीधे आना है। तो श्री राम जी ने तब भी नहीं देखा। तो सखियों ने कहा कि ठीक है सरकार, आपको अपनी सुंदरता का वास्तव में अभिमान ज़्यादा हो गया है। तो हाथों में पुष्प लिया और श्री राम जी पर वो पुष्प बिखेर दिए और कहा कि आना आप कल पुष्प वाटिका में, हमने भी आपको अपन सुरतिया में ना ही अटकाया तो हम आप मिथिला की नारियाँ नहीं हैं। इनको अपने आप पे गुरूर नहीं है, अभिमान नहीं है। किस पर है? इनकी श्री जानकी जी पर है कि आप तो एक नंबर के काले हो, हमारी जानकी जी तो गोरी है। और जानकी जी को जब देखोगे ना तो आप अपनी सुरतिया को भूल जाओगे, इसीलिए आना। तो श्री राम जी भी मुस्कुराने लगे कि ठीक है, कल की बात कल देखेंगे। और गुरु जी के पास में आ गए। रात्रि का समय हुआ, शयन किया, प्रातःकाल हुआ, स्नान आदि हुआ, और श्री राम जी हाथ में डोलची को लेकर के चलते हैं कि गुरु जी हम आपकी पूजा के लिए पुष्प लेकर के आते हैं। गुरु जी इनका ठीक है। अब दोनों भैया आज फिर प्रातःकाल मिथिला की गलियों में निकलते हैं। सारे लोग प्रसन्न होकर के प्रभु को के दर्शन कर रहे हैं, और श्री राम जी वाटिका में पहुँचते हैं तो श्री जानकी जी की वाटिका है, किसकी है ये? भक्ति की वाटिका है, और इस वाटिका के चार द्वार हैं। चौदेसी चीतई पूछी माली लेकर के पुष्प लेने के लिए बगिया में जाते हैं। तो ये बगिया श्री जानकी जी की वाटिका है, भक्ति की वाटिका है, और भक्ति की वाटिका में चार माली लोग खड़े हैं, और चारों माली माली नहीं है, कौन है? ये चार संत हैं, पाए वैशंपाए भृगु और अंगिरा। इन चारों संतों ने सोचा आपस में कि हमने इतने बरस तपस्या की, सूखे पत्ते खा करके एक पैर पर खड़े होकर के भक्ति की साधना की, लेकिन फिर भी श्री प्रभु हमें नहीं मिले हैं। तो ऐसा करें कि अब ये भक्ति भक्ति ये तो बहुत हो गई है, अब ऐसा करें कि भक्ति की वाटिका के दास बन जाते हैं, माली बन जाते हैं। और हमें ये तो पता है कि जहाँ भक्ति की वाटिका होती है वहाँ पर श्री प्रभु को बुलाना नहीं पड़ता है, स्वतः ही भगवान चल करके आते हैं, वो खुद ही आ जाते हैं। इसीलिए श्री राम जी, चारों संतों ने सोचा कि हम इस वाटिका के माली बन जाते, क्योंकि सियाजू की वाटिका है और भक्ति की वाटिका के माली बन जाए, और करना कुछ नहीं है, केवल द्वार पर खड़े रहना है। क्योंकि श्री किसी के भी घर या कहीं भी बगिया में जाओ तो प्रवेश तो द्वार से ही होगा, तो इसलिए इधर उधर खड़ा भी नहीं रहना है, गेट पर खड़े रहना है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति आएगा तो गेट से जैसे घुसेगा वैसे मुलाकात हो जाएगी।
तो इसीलिए संतों ने कहा कि द्वार पर ही खड़ा रहना है। तो चारों संत लोग माली बन करके द्वार पर खड़े रह गए। और उसी टाइम श्री राम जी ने दूर से देखा तो लक्ष्मण लाल जी से कहा कि लक्ष्मण, मुझे लग रहा है कि वाटिका के द्वार तो चार है लेकिन माली लोग खड़े हैं, तो इनसे अनुमति लेना पड़ेगा भैया, उसके बाद ही अंदर चल सकते। तो लक्ष्मण लाल जी ने कहा कि भैया, हम तो मेहमान हैं जनक जी के, और मेहमान को अनुमति लेना जरूरी होता है क्या? तो श्री राम जी ने कहा कि मेहमान हो चाहे कुछ भी हो, मर्यादा सबके लिए बराबर रहती है, इसलिए जाओ जल्दी से पूछ करके आओ। लक्ष्मण लाल जी तुरंत आए तो पहले द्वार पर पाए ऋषि थे, वो माली बन करके खड़े हैं। इनसे आकर के कहा कि ऐसा है माली साहब, हम आपके बगिया में जा करके पुष्प ले लें? तो माली साहब ने कहा कि देखिए, वो जो दूर खड़े आपके जो भैया है ना, आपके उन भाई साहब को लेकर के आओ, पहले उनको देखेंगे, उनको चेक करेंगे कि वो अंदर जाने लायक है कि नहीं है, तभी कुछ बता सकते हैं। लक्ष्मण लाल जी ने आकर कहा कि भैया, उन्होंने तो ऐसा कहा है। तो श्री राम जी ने कहा कि कोई बात नहीं, जाना भी उधर से देख लेंगे तो क्या हो जाएगा, चलो चलते हैं। और श्री राम जी लक्ष्मण लाल जी के साथ में आ गए। तो पाए ऋषि भगवान श्री राम जी के वात्सल्य भाव के उपासक है, और वात्सल्य में श्री प्रभु के कौन से अंग पर दास की दृष्टि पड़ती है? श्री प्रभु के मुखारविंद पर। तो लक्ष्मण लाल जी के सामने पाए ऋषि खड़े हैं और वो श्री राम जी का मुखारविंद देखे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं। लक्ष्मण लाल जी ने कहा कि केवल देखते रहोगे कि कछु बोलोगे भी, अंदर जाए कि ना जाए? तो पाए ऋषि ने कहा कि कहो बताए भाई, आपके जो ये भाई साहब है ना, इनके सर्वांग अंग तो अंदर जाने लायक है लेकिन इनका जो ये चेहरा है ना, ये अंदर जाने लायक बिल्कुल भी नहीं है। तो लक्ष्मण लाल जी का तो और दिमाग खराब है, हमारे भाई के मुखारविंद की तुलना लोग चंद्रमा से करते हैं, इतने सुंदर है और तुम कह रहे हो अंदर जाने लायक नहीं है। तो पाए ऋषि ने कहा कि महाराज, आप तो इनके चेहरे की तुलना इस चांद से कर रहे हो और इस चांद में तो बहुत सारे दाग है, इसीलिए ये चांद तो घटता भी रहता है, बढ़ता भी रहता है, इस चांद के समान थोड़ी है, अलौकिक चंद्रमा के समान आपके भाई साहब का चेहरा है। लेकिन समस्या यही तो है, क्या है? बोले, वो चांद जब पूर्णिमा का खिलता है आकाश में तो हमारी बगिया में इतने सारे चकोर है, चकोर को चांद से बहुत प्रेम होता है, तो वो बगिया में इतना नाचते कि नाच नाच के पागल हो जाते हैं। तो जब वो साधारण चंदा को देख करके ये लोग इतना नाचते हैं, तो फिर ये अलौकिक चंद्रमा के समान चेहरे वाले श्री राम अगर चले गए तो इन वो तो फिर पगला जाएंगे कि वही चांद धरती पर आ गया है। तो सारे जितने भी चकोर है वो एक साथ आक्रमण कर देंगे महाराज, तो इनका जो चेहरा है वो बिगड़ जाएगा, इसलिए सुरक्षा की दृष्टि को मद्देनजर रखते हुए हम अंदर जाने की अनुमति नहीं दे सकते। अब लक्ष्मण लाल जी का भैया बोले, भाई जब तक है तब तक प्रयास करना चाहिए, दूसरे गेट पर जाओ। तो वहां पर वैशंपाय ऋषि खड़े हैं, ये भी माली बन करके खड़े हैं। लक्ष्मण लाल जी यहाँ आए, इन्होंने भी कहा कि हम आपके भाई साहब को देखेंगे तब कुछ कहेंगे। तो श्री लक्ष्मण लाल जी तुरंत भैया को लेकर के आए। तो वैशंपाय ऋषि भगवान के बड़े बड़े नेत्रों श्रृंगार भाव के उपासक हैं, और श्रृंगार वालों की नजर बालों पर है या बड़े बड़े नेत्रों पर है। तो वैशंपाय ऋषि जी श्री राम जी के नेत्रों को देखे जा रहे कुछ भी बोल नहीं रहे हैं। तो श्री लक्ष्मण लाल जी का कि कुछ विचार हुआ है, जाए कि न जाए? तो बोले, इनके सर्वांग अंग तो अंदर जाने लायक है लेकिन इनके जो बड़े बड़े जो नेत्र है ना, ये अंदर जाने लायक बिल्कुल भी नहीं है। तो बोले, इनके नैनों को क्या हो गया? बोले, इनके नेत्र जो है ना, ये इतने सुंदर है और कमल के समान सुंदर लग रहे हैं। तो महाराज, हमारी बगिया है ना, भंवरे बहुत ज्यादा है और भंवरे कमल से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, तो कहीं वो सारे भंवरे इनकी अखियों में एक साथ आक्रमण कर दे महाराज, तो अखियां फूट जाएगी, इसलिए सुरक्षा की दृष्टि को मद्देनजर रखते हुए हम अंदर जाने की अनुमति नहीं दे सकते। तो अब तीसरे गेट पर महर्षि श्री लक्ष्मण लाल जी गए, वहां पर महर्षि भृगु खड़े हैं। इन्होंने कहा, हम भी आपके भाई साहब को देखेंगे तब कुछ कहेंगे। श्री राम जी को वहां लेकर के गए। तो महर्षि जो भृगु है वो श्री राम जी के सखी भाव के उपासक है, और सखा की दृष्टि सखा के या तो उंगलियों पर पड़ती है या भुजदंडों पर पड़ती है। तो महर्षि जो भृगु है वो श्री राम जी की उंगलियों को देखे जा रहे। लक्ष्मण लाल जी ने कहा, केवल देखते रहोगे कि कुछ बोलोगे भी?
तो बोले भैया काओ बताए आपके इन भाई साहब के सर्वांग अंग अंदर जाने लायक है, लेकिन इनकी जो उंगली है ये अंदर जाने लायक ऊपर नहीं आना है, उंगली जो है ये अंदर जाने लायक बिल्कुल भी नहीं है। बोले इनकी उंगलियों को क्या हो गया? बोले हमारी बगिया में गुलाब के पुष्प बहुत ज्यादा है और गुलाब में कांटे बहुत रहते हैं, तो ये जैसे ही अंदर जाएंगे तो गुलाब के पुष्प अगर तोड़ेंगे तो इनकी उंगलियों में वो चुभ जाएंगे, इसलिए महाराज हम सुरक्षा की दृष्टि को मद्देनजर रखते हुए अंदर जाने की अनुमति नहीं दे सकते। तो अब श्री लक्ष्मण लाल इनका भैया आखिरी वाला गेट बचा है, अब पांचवा भी ढूंढ लेना, मुझे नहीं लगता कि ये भी अंदर जाने दे। श्री राम जी का जब तक है उम्मीद आशा रहती तब तक प्रयास करना चाहिए। अब आखिरी गेट पर गए तो इन्होंने भी इनको बुलवाया। अब अंगिरा ऋषि आखिरी लास्ट गेट पर खड़े थे। अंगिरा ऋषि की दृष्टि श्री राम जी के चरणों पर पड़ी है, ये चरण के दास्य भाव से उपासना करते, इसलिए चरणों पर दृष्टि पड़ी है। चरणों को देखे जा रहे लक्ष्मण लाल जी का करे भैया बहुत समय हो गया, कब तक देखोगे, कहो तो उसे कि अंदर जाए कि ना जाए। तो इन्होंने कहा कि आपके भाई साहब के सर्वांग अंग तो अंदर जाने लायक है, लेकिन इनके जो चरण है ना ये अंदर जाने लायक बिल्कुल भी नहीं है। तो लक्ष्मण लाल जी ने कहा कि त्वार दिमाग तो इन तीनों से भी ज्यादा खराब है। अरे पगले, मेरे भैया के चरणों को पाने के लिए बड़े बड़े संत महात्मा लोग हजार हजार बरस साधना करते हैं बेचारे, तब भी वही मर जाते हैं, ये चरण नहीं मिलते हैं, और तुम्हें फ्री में मिल रहे तब भी तुम्हें इतना ना रहा है। तो अंगिरा ऋषि ने कहा महाराज मैं अभिमान नहीं कर रहा हूँ, मैं इसलिए अंदर नहीं जाने दे रहा हूँ क्योंकि हमारी जो वाटिका है ये हमारी श्री जानकी जी की वाटिका है, और श्री किशोरी जी अपने महल से चल करके यहाँ तक माँ भवानी का पूजन करने के लिए पैदल चल करके आती है, तो उनके चरणों में कुछ चुभे ना, इसलिए मखमल के फावड़े बिछाते हैं और सीरज के पुष्पों की एक एक पंखुड़ी साफ करके बिछाते हैं कि कहीं चरण में चुभ ना जाए। तो उन इन चरणों को देख करके तो ये लग रहा है कि ये चरण तो उन चरणों से भी ज्यादा कोमल है, तो इन चरणों पर तो पंखुड़ियां भी चुभ सकती है, तो महाराज रक्त बहने लगेगा और महाराज जनक जी हमें सजा देंगे, इसलिए हम आपको अंदर जाने की अनुमति नहीं दे सकते। अब चारों मालिक कमर पर हाथ लगा करके खड़े हो गए, बोले हमें अंदर नहीं जाने देना है। तो श्री राम जी का देखो थोड़ा से तो पुष्प लेने जाना है, थोड़ा सा अंदर चले जाने तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। माली उनका देखिए सरकार ऐसा है कि आपके अंदर जाने में हमारी बगिया का सत्यानाश भी हो सकता है। अब लक्ष्मण लाल जी को आया गुस्सा, बोले हमें पागल समझते हो क्या, हमारी अयोध्या में इससे भी ज्यादा पुष्प है, क्या हमने पहली बार बगिया को देखा है कि तुम कह रहे हो हमारे जाते से गड़बड़ हो जाएगी, बहुत सारी बगिया हमने देखी है। तो मालियों ने कहा महाराज वो अयोध्या के जो पुष्प है उन्हें अभ्यास है इनके हाथ से तोड़ने का, और इनको तो बेचारे को है नहीं, ये जैसे अंदर जाएंगे तो सारे कहेंगे पहले मुझे तोड़ो। तो पहले पहले के चक्कर में महाराज पूरे गुलाब के फूल बिखर जाएंगे और पूरी बगिया अस्त व्यस्त हो जाएगी, इसलिए हम अंदर जाने की अनुमति नहीं दे सकते। हाँ ठीक है, हम खुद ही आपको तोड़ करके दे देंगे। तो श्री राम जी ने कहा कि माली लोग ऐसा है कि गुरु और प्रभु की सेवा अपने हाथ से करना चाहिए, चार पुष्प लेना है काहे जिद कर रहे हो, चले जाने दो ना थोड़ा सा। तो माली उनका हमको एक गड़बड़ और लगती है आपने, हम सुने हैं क्या? बोले आपके चरणों की जो रज है वो बड़ी जादू वाली है। क्या जादू वाली है? बोले वो एक बार पत्थर पर गिरी तो नारी प्रकट हुई और आकाश में उड़ गई। तो ये पौधों पर अगर आपकी रज गिर गई और वो भी आकाश में उड़ गए तो श्री राम जी का अच्छा एक बार अंदर चले जाने दो, पहले पौधे का स्पर्श करने दो, अगर वो उड़ गया तो तुम अगला पौधा मुझे स्पर्श मत करने देना। बोलो मंजूर है? माली उनका ना तब भी मंजूर नहीं है। तो आखिर चाहते क्या हो? तो माली उनका कि ऐसा करे ऐसा करो, ठीक है अच्छा आपको जाना है तो जाइएगा, पर हमारी जो किशोरी जी है जानकी जी का जयकारा आप लगा दो, उसके बाद में हम आपको अंदर एंट्री दे देंगे। तो लक्ष्मण लाल जी का सुनो हम रघुवंशी लोग हैं और चाहे जिसकी जय वह नहीं बोलते हैं, और राम जी के मुख से निकल गया कि पता नहीं आपकी जानकी जी कैसी होगी, हमको जय नहीं बोलना है। तो मालियों उनका सुनिए सरकार, हमारी जानकी जी को जब देखोगे ना आप तो आप अपनी सूरतिया को भूल जाओगे, इसलिए जरा हिसाब से और जय तो बोलना पड़ेगा, तो खड़े रहो, हम आप भी खड़े और हम भी खड़े। तो श्री राम जी ने कहा कि अच्छा ठीक है, लक्ष्मण लाल जी का ठीक है, हमारी भी एक शर्त है। क्या? बोले मेरे भैया तो जय बोलेंगे और मैं जय बुलवाऊंगा, तो
तो मेरे साथ में आप सभी लोगों को भी जय बोलना पड़ेगा। बोलो मंजूर है? बोला हाँ ठीक है। अब श्री लक्ष्मण लाल जी ने कहा कि ठीक है। बोली श्री मिथिलेश नंदिनी की, मिथिलेश नंदिनी की, मिथिलेश नंदिनी की। अब जैसे जैसे जयकारा हो रहा है तो श्री राम जी उसी बीच अंदर चले गए हैं। तभी से अयोध्या और मिथिला के लोग लड़ते रहते हैं कि आपके भैया ने जय बोली तभी हमारे श्री राम जी आपके भाई साहब को जाने दिया। अयोध्या के लोग बोले ना ना, लक्ष्मण लाल जी ने चतुराई की है, तब जय तो आपके संतों ने ही बोल दिए और आपके भाई साहब अंदर, हमारे भाई साहब अंदर चले गए। जो भी है, लड़ाई तो चलती रहेगी। अब श्री राम जी अंदर जैसे प्रवेश करते हैं तो जितने भी स्वाटिका के पेड़ पौधे पुष्प है वो सारे लोग जब से माली जिद कर रहे हैं, बेचारे रो रो कर के परेशान है। मनी मन में कहते कि माली लोग तुम काहे जिद कर रहे हो, क्यों नहीं इन्हें अंदर आने दे रहे हो? तुम तो वहां चले जाओगे, अगर ये रूट करके चले गए तो तुम तो वहां चले जाओगे जहां पर ये है और दर्शन कर लोगे, लेकिन हम थोड़ी वहां पर जा पाएंगे। इसीलिए आप हमें क्यों इनके दर्शन से वंचित कर रहे हो, हमें क्यों नहीं आने दो इनको अंदर? तो पुष्प और पेड़ पौधे सारे चिंता बार बार, माली लोग परेशान है, जो पेड़ है पौधे है वो सारे कहते कि आने दो, तुम तो वहां चले जाओगे जहां पर ये है, लेकिन हम नहीं जा पाएंगे। तो जैसे श्री राम जी ने अंदर प्रवेश किया तो प्रसन्न हो गए सारी डालियां सारे पुष्प कि प्रभु हमारे पास में आए हैं। और श्री राम जी तुरंत आए और आ करके श्री राम जी ने पुष्पों को तोड़ करके दोनों में रखना शुरू किया है। अब जैसे दोनों में रखने लगे श्री राम जी तो जिन पेड़ों पर पुष्प थे उनका पुष्प उतार उतार करके श्री राम जी ने दोने में रखा है, लेकिन जिन पेड़ पर कोई पुष्प नहीं है वो पेड़ रोने लगते हैं कि हमारा दुर्भाग्य है, अगर हमारे पास में भी कोई ना कोई पुष्प होता तो आज हम भी अपनी सेवा प्रभु को अर्पित करते, उन पुष्प के बहाने प्रभु का स्पर्श हमसे भी होता, लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे पास में कोई पुष्प है नहीं अर्पित करने के लिए। तो श्री राम जी ने कहा कि रो मत, लगे लेन दल फूल मुदित मन। श्री राम जी ने तुरंत पत्तियों को तोड़ लिया है और राम जी ने कहा कि कोई बात नहीं, आपके पास में अगर पुष्प है तो मैं पुष्प से भी काम चला लूंगा, और पुष्प नहीं भी है तो मैं केवल पत्तियों से भी काम चला लूंगा। पुष्प भी ठीक है, पत्तियां भी प्रभु को ठीक है। प्रभु ने कहा कि अगर पत्ती भी होगी तो मैं उसको भी स्वीकार कर लूंगा, माला में पिरो करके मैं पहन लूंगा। अब आगे बढ़े श्री राम जी तो श्री राम जी ने कलियों को छोड़ दिया है, कलियों के ऊपर ओस की बूंदे है। कलियों ने मानो रोते हुए कहा कि आज हम भी समय पर खिले रहते तो हमारा भाग्य भी खुला रहता, आज हम बंद है इसलिए हमारा भाग्य भी बंद है। खिलेंगे तो सही, आज नहीं तो कल खिलेंगे, लेकिन समय पर खिल जाते अगर तो हमारा भाग्य भी खुला रहता, लेकिन हम समय पर नहीं खिले हैं इसलिए हमारा भाग्य भी बंद है। मानव जीवन का यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य होता है कि जब खिलना रहता है तब हम संसार की ओर खिले हुए रहते हैं, और ये अवस्था पूरी बुढ़ापा आ जाता है, मुरझा जाता है, उसको लेकर के हम प्रभु की शरण में जाते हैं कि अब हम आपकी शरण में आए हैं, तो भगवान भी मना कर देते कि भैया मुरझा करके आए हो, पीछे आए हो तो पीछे की लाइन में लग जाओ, वहां से यहाँ पहुंचने तक अगर जीवन रहा तो ठीक है आ जाना, और अगर चले गए तो फिर तुम जानो और 84 लाख की ओर नहीं जाने। इसीलिए भगवान ने कहा है कि मैंने पुष्प जैसी आयु आपको दी है, अवस्था दी है, तो उसमें मेरी शरण में आओ, लेकिन हम नहीं आते हैं। कलियां रोती है कि हम भी आज ही खिले होते तो हमारा भाग्य खुला रहता, लेकिन अब कल खिलेंगे तो कल तो फूटना ही, क्योंकि कल थोड़ी आएंगे ये। तो लक्ष्मण लाल जी की नजर कलियों पर पड़ गई, लखन लाल जी तुरंत दौड़ करके गए और कली को लेकर के तोड़ने लगे और कलियों से कहा कि आप रो मत, आप भले ही खिली नहीं हो, अधखिली हो, लेकिन हो मेरी भक्ति की वाटिका के, मेरी जानकी माँ की वाटिका के, इसीलिए मेरे प्रभु खिले हुए को तो हाथ में धारण करते हैं और अधखिले हुए को तो मेरे प्रभु सिर पर धारण कर लेते हैं, इसीलिए चिंता मत करो, आपकी गलती नहीं है, आप भले ही नहीं खिले हो लेकिन प्रवेश तो कर लिया है ना वाटिका में।
मानव जीवन पूरा भले बीत जाए लेकिन जब मन हो जाए तब भगवान की भक्ति करना शुरू करे तो मानव काम बन जाता है। अब श्री राम जी उन कलियों को लक्ष्मण लाल जी ने तोड़ा और श्री राम जी की घुंघराली अलकावलियों पर उन्होंने श्रृंगार कर दिया है कि मेरे प्रभु कलियों को सिर पर धारण करते हैं, कलियों को सिर पर श्रृंगार कर दिया श्री राम जी का। अब आगे बढ़े श्री राम जी लक्ष्मण लाल जी तो एक मोर का पंख नीचे गिरा पड़ा था तो लक्ष्मण लाल जी ने उस पंख से पूछा कि भैया तुम काहे रो रहे हो या पड़े पड़े। तो उस पंख ने कहा कि मैं जिनके पीछे लगा था वो मुझे पीछे ही छोड़ करके चले गए हैं। किसके पीछे लगे थे? बोले मैं मोर के पीछे लगा था। तो श्री लक्ष्मण लाल जी ने कहा कि मोर के पीछे लगोगे तो यही हाल होगा। मोर और तोर यही माया है और माया के पीछे अगर पड़े रहे तो अंत में रोना ही रोना पड़ेगा। तो आप मोर के पीछे लगे इसलिए रो रहे हो। और मोर का एक दूसरा दृष्टांत है कि सारे पशु पक्षी जितने भी वो बगिया में नृत्य करने लगे थे, श्री राम जी ने जैसे प्रवेश किया तो सारे लोग गाने लगे थे, तो सारे पंछियों में मोर पंख फैला करके नाचने लग गया था, इसलिए इसका पंख गिरा था। तो श्री लक्ष्मण लाल जी ने कहा कि जो प्रभु की भक्ति में गाए वो तो भगवान का भक्त होता ही है, लेकिन जो गा करके जो नाचे वो उसको तो भगवान अपने सिर पर धारण कर लेते हैं, लेकिन नाचने में भी भाव भक्ति का होना चाहिए, मनोरंजन का नहीं। तो मोर भाव से नृत्य कर रहा है तो मोर पंख को उठा करके लक्ष्मण लाल जी ने श्री राम जी के मुकुट पर धारण करवा दिया है। आज श्री राम जी मानो कृष्ण बन गए हैं। जैसे कन्हैया ने बचपन से मोर पंख धारण किया है लेकिन श्री राम जी आज मोर पंख को धारण करते हैं। इस प्रकार श्री राम जी का श्रृंगार लक्ष्मण लाल जी ने कर दिया। उधर से श्री जानकी जी बहुत सारी सखियों के साथ में बगिया में प्रवेश करती हैं और जैसे बगिया में श्री किशोरी जी ने प्रवेश किया, माँ भवानी के पास में गई पूजन करने के लिए श्री जानकी जी, बहुत सारी सखियां इनके साथ में है, कोई चमर ढुला रही है, कोई आरती उतार रही है, छत्र की छाया लेकर के वो छत्र को हाथ में धारण करके चल रही है। इस प्रकार श्री जानकी जी यहाँ से चलती हैं और श्री जानकी जी के साथ में ही एक परम सुंदर सखी है और ये सखी कौन है? ये वही सखी है जिनका पूजन करने अभी जा रही है। श्री माँ भवानी ही सखी बन करके आ गई है क्योंकि माँ भवानी ने सोचा कि जानकी अभी मेरा पूजन करेगी, पूजन करके वर की बात ही करेगी क्योंकि कल धनुष यज्ञ होना है, तो कल इनको वर दूं, ये खुद जगत की जननी है, माँ है, तो इन्हें क्या वर प्रदान करूं, इसलिए इनके वर प्रैक्टिकल ही बगिया में आ रहे हैं तो डायरेक्ट इनको वर से मिला दूं और मेरा काम, मेरी ड्यूटी जो है वो छुट्टी। तो यही सोच करके श्री माँ भवानी सखी का रूप धारण करके पहुंचती है बगिया में। एक सखी सिय संग बिहारी, लक्ष्मण लाल जी दोनों बगिया में घूम रहे हैं, दौड़ करके आई और श्री जानकी जी के कान में कहा कि आप माँ का पूजन बाद में करना, पहले चल करके श्री राम जी जो बगिया में आए हैं दोनों युगल सरकार राजकुमार, तो चल करके तनिक उनके दर्शन कर लो। तो यह सुन करके श्री जानकी जी ने थाली को वहीं रखा
और याज्ञवल्क्य जी ने इनसे कहा भी था कि आपको आपके वर की प्राप्ति बगिया में होगी, इसलिए श्री किशोरी जी थाली को वहीं छोड़ी और तुरंत वहां से चल पड़ी है श्री राम जी को देखने के लिए। तो चरणों में पायल थे, पायल में घुंघरू बज रहे हैं, तो श्री राम जी ने तुरंत आवाज सुन ली, बोले देखो लक्ष्मण ऐसा लग रहा है कि साक्षात कामदेव ही धरती पर आ गया है सारे लोगों पर विजय पाने के लिए। अर्थ यह है कि भाव अगर होगा तो श्री प्रभु चीटी के चरण में पहने हुए पायल के घुंघरुओं की आवाज भी सुन लेंगे, और अगर भाव नहीं होगा तो भले बैंड बाजे बजाओ श्री प्रभु सुनने वाले नहीं है। तो जानकी जी के चरणों के पायल जो घुंघरू है वो श्री राम जी पहचान जाते हैं और कहा देखो ऐसा लग रहा है कि साक्षात कामदेव ही भूमि पर पधार गया है। इधर श्री जानकी जी इधर उधर देखते हुए पहुंची तो देख रही है उसी समय पर श्री राम जी लता के ओट में खड़े खड़े पुष्प चुन रहे थे। तो उन्होंने पुष्प उतार लिया और श्री राम जी लता के ओट से ऐसे निकले जैसे बहुत सारे बादलों के बीच से पूर्णिमा का चांद निकलता है, ऐसे श्री राम जी लक्ष्मण लाल जी निकले। जानकी जी प्रसन्न हो गई है और श्री राम जी को जानकी जी ने देखा, जानकी जी को श्री राम जी ने देखा और दोनों के जो पलक है ये बंद हो गए, स्थिर हो गए हैं। ये बार बार जो पलकें खुलती है बंद होती है क्यों होती है? क्योंकि श्री निमि महाराज जी का निवास हमारे पलकों में है और निमि महाराज जी किसके वंशज है? श्री जानकी जी के हैं। तो निमि महाराज जी के निवास के कारण ये पलके हमारी बंद होती है खुलती है। तो निमि महाराज जी ने जब देखा कि वर वधु का मिलन हो रहा है तो यहाँ पर हमारा कोई भी काम नहीं है, इसीलिए अपने पलकों से गायब हो जाते हैं। तो श्री जानकी जी के नेत्र श्री राम जी में और राम जी के नेत्र श्री किशोरी जी में स्थिर हो जाते हैं और भाव से यहाँ पर युगल सरकार का मिलन होता है।